पुरानी पेंशन को लेकर तीसरी बड़ी रैली का गवाह बनेगा रामलीला मैदान। इस तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा होंगे देश के लाखों सरकारी कर्मचारी। जी हां, काफ़ी ताज़ा अपडेट पुरानी पेंशन की फिर से बहाली से जुड़ी हुई। केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ने लगे हैं। केंद्र कर्मियों की दो विशाल रैलियों के बाद अब एक और रैली 3 नवंबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रही है। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के बैनर तले होने वाली इस रैली में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन सहित कई दूसरे संगठन हिस्सा लेंगे। दिल्ली में केंद्र सरकार के समक्ष 7 मांगें रखी जाएंगी, जिनमें पहली मांग है कि NPS की समाप्ति और OPS यानी कि पुरानी पेंशन योजना की फिर से बहाली। इसके अलावा केंद्र सरकार में रिक्त पदों को नियमित भर्ती के जरिए भरना, निजीकरण पर रोक, 8वें वेतन आयोग का गठन और कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के DA का एरियर जारी करना, ये बातें भी कर्मचारियों की मुख्य मांगों में शामिल हैं। तो इन 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 नवंबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में तीसरी बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतर पेंशन योजना के बारे में भी आपकी जो सोच है, राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले।